हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको भारत की महान गायिका या फिर कह लीजिए महान कोकिला, जिनको भारत का गायिका के रूप में सबसे ज़्यादा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आज हम उनके बारे में बताने हैं, जिसका नाम है, हाल ही के चंद दिनों में उनकी डेथ हो चुकी है। उनके एक एक जीवन शैली को हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं। सो वीडियो अंत तक जरूर बने रहिए और उम्मीद है कि आपको इतना कुछ जानने को मिलेगा दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। आज हम आपके सामने भारत की महान गायिका श्री लता मंगेशकर जी के जीवन शैली और उनके जीवन की क्या कहानी हिस्ट्री रही हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी क्या कहानी रही, कैसे इनके जीवन शैली रही और इन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त किए। तो सबसे पहले आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ की बताना चाहेंगे। लता मंगेशकर जी भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में गायिका के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी अगर बारे में जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम ही है। दोस्तों इनका जन्म 28 दिसंबर 1929 में, यानी कहा जाए तो आज से 93 साल पहले। कहा जाता है ना कि आपका क्या पहचान है इस दुनिया में, तो दोस्तों इनकी पहचान इनकी आवाज़ ही थी कि इनकी सबसे बड़ी पहचान थी। इनकी आवाज़ ही इनकी सबसे बड़ी पहचान थी। लता मंगेशकर भारत की नहीं जबकि सबसे बड़ी लोकप्रिय आदरणीय गायिका के रूप में जानी जाती है। ये वो गायिका है जिन्होंने अपने जीवन काल में 30 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में अपने गीत को गाई हैं। इनकी बहन की अगर बात किया जाए तो आशा भोसले, ठीक, और इसके बाद से इनका जन्म इंदौर में हुआ था। इनकी मृत्यु आई होप कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि क्योंकि ये करेंट टाइम में इनकी डेथ हुई है, मुंबई में हुई है। इसके बाद से इन्होंने इनकी अगर गीत की दुनिया में कदम कब रखा इसको हम जानते हैं। दोस्तों इन्होंने गीत की दुनिया में 1942 में से शुरू किया, यानी पैर रखा गीत की दुनिया में। इनके पेरेंट्स की अगर जिक्र किया जाए तो इनके माँ पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था और इनके माताजी का नाम श्वेती मंगेशकर था। बहन का नाम अगर उषा मंगेशकर, भाई हृदयनाथ मंगेशकर। अब इनके अगली कहानी देखा जाए कि इनको अपने इनके जीवन काल में किन किन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, तो सबसे पहला इनको अवार्ड मिला था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसके बाद से बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड जैसे कि इनको सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने भी इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया है। मृत्यु का कारण कोविड, और यहाँ तक ये भी देखा जा रहा है कि इनको एक महीने से ये भी निमोनिया भी इनको हुआ था, जिसकी वजह से ये डेथ हुई है मुंबई के एक हॉस्पिटल में। लता मंगेशकर जी की बचपन की कुछ छवि आज हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लता मंगेशकर जी बचपन में किस तरह दिखती थी और कैसा इनका। इनकी पहली फिल्म की अगर जिक्र किया जाए तो मंगला गौर, जो 1942 में यानी 1942 में आई थी, जिसमें इन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। इसके बाद कई फिल्म में अपना किरदार निभाया, जैसे कि साझे बाल, बाद से वर्ष 1942 में इनके पिताजी का मृत्यु हो गया। इसके बाद से इनके पिताजी का मृत्यु 1942 में हो गया। उस टाइम में लता जी सिर्फ 13 वर्ष की थी, पूरे परिवार का जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर आ चुकी थी। अभी कैसे इस परिस्थिति से निकलें ये इनके यही सोचती थी और दूसरी ओर इनके करियर के भी अपनी तलाश में थी। ये पार्श्व गायिका के में कदम रखा था, यानी 1948 में। उस टाइम संगीत की दुनिया में बहुत से गायिका प्रेजेंट थी, जैसे अमीराबाई, शमशाद बेगम जैसे गायिका मौजूद थी। ऐसे में उनके लिए संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज़ को सच्चे मन और हृदय से चाहें और उस पर काम करें तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम प्राप्त न कर सकें। लता जी की पहली गीत मराठी फिल्म कीर्ति हसाल में आई थी, मगर वो किसी कारणवश से रिलीज नहीं हो पाया। उसके बाद से इन्होंने 1949 यानी 1949 में लता जी को ऐसा मौका मिला, महल के आएगा आने वाला गीत से मिला। इस गीत को उस टाइम की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस जो चर्चित थी मधुबाला पर बनी गई थी। यह फिल्म अत्यंत सफल फिल्म, बहुत ही अत्यंत सक्सेस फिल्म के रूप में जाना जाता है और रहा था उस टाइम। इसके बाद से लता जी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी कि आगे पीछे क्या होगा, आगे क्या होगा। लता जी अब तक देखा जाए तो 20 से भी अधिक भाषाओं में 30,000 से भी अधिक गाने गा चुकी हैं। हमने क्या कहा, लता जी 20 लैंग्वेज में 30,000 से भी अधिक गाने गा चुकी हैं। यही इनकी सबसे बड़ी खास बात है।
आज तक का रिकॉर्ड है कि इतना गाना किसी व्यक्ति ने नहीं गाया जितना लता मंगेशकर जी अपने जीवन काल में 30,000 से भी अधिक गाने गाए हैं। सोच सकते हैं आप भी कि एक गाना नहीं 30,000 सॉन्ग्स ये गा चुकी हैं अपने सेल्फ से। इसलिए 1980 में फिल्म में गाने और 1980 के से फिल्म में गाना कम कर दें और वो स्टेज शो पर अधिक ध्यान देने लगी थी। लता जी की सबसे खास बात ये थी कि जब कोई गाना या गीत वो गाती थी तो बिना स्लीपर के यानी नंगे पैर ही गाती थी। लता जी की यह युवावस्था की कुछ छवि हैं जो आपको दिख रही होगी। इसके बाद से फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, 1947 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने की गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज हो चुका है। इसके बाद 1993 में फिल्म फेयर अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स इत्यादि अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ओ माय गॉड, सच में कितनी महान आत्मा थी। ऐसी महान कोकिला दिल से सैल्यूट करते हैं। उम्मीद है कि आपको इनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा इनके जीवन शैली से। दोस्तों, क्या इनके जीवन शैली से यानी कि जीवन से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और चैनल पर नए हो तो विजिट कर रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा भी मोटिवेशन लेवल बना रहे। और ऐसे ही कुछ खास, कुछ डिफरेंट, कुछ न्यू नॉलेज आपके सामने लेकर हम फिर से प्रेजेंट हो गए। तब तक के लिए धन्यवाद। कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ।